क्या हाल है अरसलान? मैं खान साहब आप शुरू करोगे? शुरू खान साहब, थैंक यू फॉर कमिंग. आज हमारे पास इस वक्त बहुत प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स और डिजिटल पब्लिशर्स का एक ग्रुप पूरा आया हुआ है, और इस वक्त जो कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब के इस वक्त हमारे पास हैं, उनकी कंबाइंड रीच की अगर मैं बात करूँ तो वो 25 to 30 million है. और ये वो ग्रुप है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू मिसिंग जिनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी, कि जो अच्छा कंटेंट करता है पाकिस्तान के लिए करते हैं. और साथ में हमारे पास डिजिटल पब्लिशर्स हैं जो कि कंटेंट को वायरल करते हैं ऑब्वियसली, जिसमें सियासत है, उर्दू पॉइंट है, डेली पाकिस्तान है, TCM है, ये सारे आज यहाँ पे आए हुए हैं. तो विदाउट टेकिंग टाइम, लाइक कि आप इनसे पहले थोड़ा सा एड्रेस करें और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो सबको खुश आमदेद और वेलकम यहाँ आने का मौका मिला आप सब से बात करने का. मुझे पहले, बहुत पहले आपसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान में. और ये जो, क्योंकि आप सब यूथ हैं, फ्यूचर है इस मुल्क की, आप सबको पता होना चाहिए कि हम किस क्रिटिकल स्टेज पे खड़े हैं, इसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, और हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ इस मुल्क के सामने वो आज क्या हैं, ताकि आप सबको पता चले डायरेक्शन क्या है. सो मैं बड़ा छोटा पहले करूंगा और आपके क्वेश्चंस मैं लूंगा बाद में. देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है कि पाकिस्तान एक प्रॉब्ली अपनी तारीख का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था, उससे निकल रहा है. ये जब तक आपको इस चीज़ की समझ नहीं होगी, तो आप जो आप डे टू डे जब होगा जी ये फलानी चीज़ महंगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आप उसको समझ नहीं सकेंगे. जो करंट, जो इस वक्त सारा जो हमारा मुल्क जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, इसकी जो ओरिजिन है वो पीछे है कि पाकिस्तान किस स्टेज पे इस गवर्नमेंट ने संभाला था. आज अरसलान, मैंने आपको फॉरवर्ड किया हुआ आर्टिकल महातर मोहम्मद का, वो ज़रूर इन सबको वायरल करें. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए आज आर्टिकल पढ़ना. महातर मोहम्मद ने एक आर्टिकल लिखा है जो मैंने अरसलान को कह के वायरल करें. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महातर मोहम्मद को वो मलेशिया मिला था जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिचुएशन था जो हमें मिला था पाकिस्तान. तो उसने जो आर्टिकल लिखा है कि क्या चैलेंजेस मलेशिया फेस कर रहा है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा है. फ़र्क सिर्फ ये है कि मलेशिया का इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था जो हमारा क्राइसिस है. मलेशिया की इकॉनमी उस हालत में नहीं थी हमारी, लेकिन उसने टेक ओवर किया मलेशिया एक करप्ट गवर्नमेंट से, जिसको वो क्लेप्टोक्रेसी कहता है. वो करप्ट गवर्नमेंट से उसने मलेशिया को संभाला, और जो वो उस करप्ट गवर्नमेंट ने वही किया मलेशिया से जो हमारे ये जो पॉलिटिकल माफिया ने हमारे साथ किया, एग्जैक्टली वही किया. उसी तरह की बैंक्रप्सी, उसी तरह नहीं, हमारी बैंक्रप्सी उनसे ज़्यादा थी, लेकिन मकरूज किया मुल्क को, डेफिसिट्स बड़े बढ़ गए, कर्जे लेने पड़े, वो बिल्कुल वो पैटर्न हमारा है. और फिर वो माफिया यूनाइटेड, और इनकी पार्टी जो, क्योंकि ये जो पार्टी बनी है जिसने उसको हटाया है, ये पहली दफ़ा पावर में आए हैं सब. तो जो वो चीज़ें कहता है वो प्लीज़ आपने सबने पढ़नी है. महातर मोहम्मद याद रखें कि मुसलमान दुनिया का वो स्टेट्समैन है जिसने मलेशिया को चेंज किया था, ट्रांसफॉर्म किया था फ्रॉम रूरल इकॉनमी टू एन मिडिल इनकम इकॉनमी. $9,000 पर कैपिटा वो छोड़ के गया था, $500 पे मलेशिया को उसने संभाला था. तो वो जो मलेशिया की जो सारी जो राइज थी और जो चेंज किया था, वो सारे महातर को एट्रीब्यूट करते. तो एक सीजनड, एक 20 साल का गवर्नेंस का तजर्बा. तो ये जो आर्टिकल है, ये इससे आपको अंदाज़ा होगा कि उसको क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और आप रियलाइज़ करेंगे एग्जैक्टली वो चैलेंजेस हमारे हैं. तो एक तो आपको समझना है कि ये, और वो आर्टिकल आपको समझा देगा कि हम किस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस से निकले हैं. स्टेबल किया इकॉनमी आज हमारे, अच्छा, और आप सबके लिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. इकॉनमी को जब आप देखते हैं ना, तो दुनिया जब आपकी रेटिंग करती है, मूडीज या जो दुनिया, वो सिर्फ एक चीज़ देखती है, करंट अकाउंट, क्या वो डेफिसिट में या सरप्लस में. मीनिंग कि आपके मुल्क से डॉलर्स जो बाहर जा रहे हैं और जो आपके मुल्क में डॉलर्स आ रहे हैं, क्या उनके अंदर अगर खसारा है या वो सरप्लस है.
ये डिफाइन करती है आपकी इकॉनमी. इसके ऊपर आपको दुनिया कर्जे भी देती है, इसके ऊपर आपको दुनिया आपकी इकॉनमी के अंदर इन्वेस्ट भी करती है, क्योंकि उसका मतलब कि आपकी इकॉनमी हेल्दी है. पाकिस्तान को जो इकॉनमी मिली थी, हमारी तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, ऑलमोस्ट 20 अरब डॉलर का. कभी पाकिस्तान में इतना बड़ा डेफिसिट नहीं हुआ. तो उसको सबसे, और जब डेफिसिट होता है फिर क्या होता है, जब डेफिसिट होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपके करेंसी के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है. मलेशिया में भी उस डेफिसिट की वजह से उनका भी जो रिंगिट है उसने लूज़ किया वैल्यू, हमारी करेंसी ने भी वैल्यू लूज़ किया. तो जब वैल्यू लूज़ करती है तो उसकी आउटकम्स होते हैं, कहीं आपके कर्जे एक्सटर्नल डेट बढ़ जाती है, सेकेंडली इन्फ्लेशन आ जाती है, क्योंकि जो भी चीज़ आपने बाहर से इम्पोर्ट करनी है वो 30% महंगी होगी. तो हमारा मतलब ये कि हमारी तेल महंगा अगर होता है और गैस महंगी, इसका मतलब बिजली महंगी, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी, एडिबल ऑयल्स महंगे, इसका मतलब खाने घी महंगा. तो जो इसका इम्पैक्ट सारी चीज़ के ऊपर पड़ता है जब एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मुल्क में आ जाती है. एक दूसरी इन्फ्लेशन भी है, वो सप्लाई साइड, मतलब हमारी ये जो सीजन में चीज़ें महंगी हो जाती हैं खाने पीने की, वो तो मतलब कि वो उसमें हमारी गलती होती है. लेकिन ये जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. सो इसके जितने भी इम्पैक्ट पड़ता है जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, इसके जो नतायज होते हैं वो इकॉनमी पर पड़ते हैं. तो जब अगर आप इनके पिछले दौर में कहा जी हमने ग्रोथ रेट बढ़ा दी, ग्रोथ रेट का मतलब कुछ नहीं होता, वो तो एक टेम्प्रेरी, अगर आप मैं भी इम्पोर्ट करने शुरू कर दूँ चीज़ें थोड़ी देर के लिए खुशहाली आ जाएगी, लेकिन इवेंचुअली वो आपका जितना खसारा बढ़ता जाएगा आपका करेंसी गिरनी शुरू हो जाएगी, करेंसी गिरेगी मुल्क की वेल्थ नीचे चली जाती है. सो ये सिर्फ मैंने आप, तो इस वक्त 75% हमारे दौर में करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आया. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की. और हमारी जो फिस्कल डेफिसिट वो भी नीचे आया. हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी बढ़ी हैं क्योंकि डॉलर टर्म्स में टाइम लगता है जब तक आप ऑर्डर्स मिलते हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं, लेकिन हमने इम्पोर्ट्स कटेल किए हैं, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, तो हमारा वो गैप नैरो हो गया. सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इसकी वजह से स्टेबल हुआ, इसकी वजह से रुपया थोड़ी देर गेन किया है, स्टॉक मार्केट पे कॉन्फिडेंस आ गया है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में. सो बेसिकली हमारा डायरेक्शन ठीक हो गया. तो सर इकॉनमी में सिर्फ आपको ये चीज़ समझनी है, और ये जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे महातर का तो आप समझ आएंगे. दूसरी तरफ हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस जो फॉरेन पॉलिसी के हैं वो भी आपको समझना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली यहाँ बात ही नहीं की जाती, अवॉइड किया. बड़ा एक सीरियस मसला आ जाना था कि अगर ये अमेरिका की और ईरान की और सऊदी ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाती तो ये जो आज हमारा ये जो महंगाई है ये आपने भूल जानी थी कि उसके बाद क्या होना था. उसके बाद ये होना था कि अगर तेल की एकदम तेल ऊपर शूट कर जाना था, हमारा फिर से डेफिसिट बढ़ जाना था, सब बड़े सीरियस प्रॉब्लम थे. तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो एक बड़ा मुश्किल फेज़ था, एक डेंजर भी था, वो रुक गया. लेकिन दूसरी तरफ एक और है अफ़गानिस्तान का, वो भी एक पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पीस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अगर अमन होता है अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान एक तो खैर अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, 40 साल से बेचारों की ज़िंदगियां अजाब बनी हुई हैं, लेकिन साथ साथ हमारे लिए सारा ट्रेडिंग रूट खुल जाता है कॉरिडोर मिडल सेंट्रल एशिया तक, और ये बड़े इसके बहुत बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान को. तो एक तो वो है, और वैसे भी हमारे जो कबायली इलाका वो अफेक्ट होता है, यानी हमारा जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अफेक्ट होती हैं अफगानिस्तान की वजह से. तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पीस, और वो लग रहा है कि सही डायरेक्शन पर जा रहा है. लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो हिंदुस्तान का है, और ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है. और अनफॉर्चुनेटली यहाँ मीडिया से और डिस्कोर्स से इस चीज़ के ऊपर बात नहीं होती. ये आपको समझना है ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है. देखिए हिंदुस्तान में सारा वक्त दुनिया कहती थी कि जी हमारे पाकिस्तान में कि जी टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल सेफ नहीं है. आज एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ने हिंदुस्तान को टेक ओवर कर लिया है, और ये इतनी खौफनाक आइडियोलॉजी है, दुनिया की तारीख में जब भी एक रेसिस्ट, एक रेशियल सुप्रीमिस्ट
आइडियोलॉजी जब टेक ओवर करती है, वो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपनी रेस सुपीरियरिटी और दूसरी नफरत होती है दूसरी रेसेस के अगेंस्ट। ये जब भी टेक ओवर किया है, खून हुआ है दुनिया में, उस मुल्क पे खून हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक लोगों को उठा दें पकड़ के एक रेशल एजेंडा के ऊपर और फिर साथ साथ नफरत किसी और रेस की, और ये हो ही नहीं सकता कि ये फिर आराम से ये सेटल हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ये जो जब भी शुरू हुई है, इसमें जो ये इसको जो ये आइडियोलॉजी को उठाता है उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो फिर पीछे नहीं हट सकता। वो फ्रेज़ होता है राइडिंग द टाइगर, कि वो जैसी टाइगर से उतरोगे वो खा जाएगा। ये पीछे यहाँ से हटते हैं, ये नरेंद्र मोदी यहाँ से पीछे हटता है, ये जो आरएसएस की फनेटिक्स हैं ये नहीं इसको छोड़ेंगे। और ये फंस ऐसे गया है कि अब एक पूरी हिंदुस्तान के अंदर इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हो गई। शुरू तो हुई सिटीज़न एक्ट और वो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट, और बाय द वे ये समझना आप सबको चाहिए कि ये जब हिटलर ने भी जब नाज़ीस के ख़िलाफ़ ये शुरू किया था, जब उनके प्रोग्राम शुरू हुए थे, उससे पहले वो भी एक लेके आया था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में, और वो बिगिनिंग होती है पहले रजिस्टर करके उनको अलहदा करते हैं और फिर उनके ऊपर तशद्दुद होता है। म्यांमार में रोहिंगास के अगेंस्ट ये 1982 में भी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, उसके बाद उनकी बारी आई थी जो एथनिक क्लेंसिंग हुई थी। ये एग्जैक्टली वो पहले असम में उन्होंने शुरू किया, और ये वो एक्ट है जो इवेंचुअली अच्छा फिर ये क्यों इन्होंने साथ उसके सिटीज़न एक्ट ले आए हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि इन्होंने जब वहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू की असम में तो उसमें से 40% हिंदू थे, तो इन्होंने उसको कवर वहाँ शोर मच किया कि वो हिंदू भी डीरजिस्टर हो सकते थे। तो उसके बाद ये दूसरा एक्ट लिया है सिटीज़न एक्ट के, और उसमें ये है कि अगर कोई भी नेबरिंग कंट्री से रेफ्यूज हिंदुस्तान में लाना चाहता है उसको इजाज़त है स्वाय मुसलमानों के, सो उन्होंने आइसोलेट किया मुसलमानों को। तो इधर इसके बाद मूवमेंट शुरू हो गई, पहली दफ़ा मुसलमान वहाँ खड़ा है, वो अब थ्रेटन हो गए हैं, उनको और भी ज्वाइन कर गए हैं जो कि इसके डरे हुए हैं ये आरएसएस की आइडियोलॉजी से, वो भी इकट्ठे हो गए हैं। तो इंडिया के अंदर एक बहुत एक वो सिचुएशन हमारे लिए डेंजरस ऐसे है कि इसमें से निकलने के इनकी जो प्लान होगा वो होगा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई पुलवामा टाइप के बाद जो उन्होंने हमला किया था ये कुछ करेंगे आज़ाद कश्मीर में। इन्होंने कह भी दिया इनके नया आर्मी चीफ ने कि अगर कांग्रेस रेजोल्यूशन पास कर दे तो हम आज़ाद कश्मीर को भी ले लेंगे। वो करेंगे इसलिए कि वो वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। जब भी अब ये जो हालात हैं, ये अब जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हिंदुस्तान में, ऊपर से उनकी इकॉनमी नीचे टैंक कर रही है, उससे डाइवर्ट करने के लिए हमारे ये आपको सबको समझना चाहिए कि ये एक जेन्युइन थ्रेट है। ये जो उनके आर्मी चीफ ने जो फैसला किया है ये एक सीरियस चीज़ है, क्योंकि ये कर सकते हैं, और इसलिए हम हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी की जो हमारी मीटिंग है, हम सब तैयार हैं इसके लिए कि ये एक जेन्युइन पाकिस्तान को एक फेयर है कि ये किसी टाइम पे भी कुछ हो सकता, तो इसलिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लास्टली जो पाकिस्तान की आप सब के लिए जो हमारी फ्यूचर का जो डायरेक्शन है कि हम ऐसे अपने मुल्क को उठाना है, कौन कौन सी चीज़ें जो ड्राइव करेंगी पाकिस्तान की ग्रोथ। नंबर वन, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान 60s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी की तरफ गया। हम 60s के अंदर आपको पता ही नहीं पता होगा सबसे तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी और जो पाकिस्तान का जो मॉडल था वो ये इर्द गिर्द के मुल्क आके पाकिस्तान का मॉडल साउथ कोरिया और मलेशिया हमारे से सीखते थे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी क्योंकि पहली एक गवर्नमेंट ने एक पूरी प्लानिंग करके मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज किया था। वो उसके बाद ये अब सेकेंड गवर्नमेंट आई है जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनी मेन प्लैंक बनाया अपनी पॉलिसी का, इकोनॉमिक पॉलिसी का। वजह उसकी ये है कि सिर्फ एक मुल्क अगर आपने हमने हमारे पास यूथ बल जाए, हमने अगर उनको नौकरियां देनी है तो वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएंगी।
हम उसके अलावा इतने बड़े पॉपुलेशन को जॉब्स नहीं दे सकते, और फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी जो मलेशिया ने 80s में शुरू की थी। सेकेंडली, जो बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है जो लोग अब तक किसी ने तवज्जो नहीं दी, वो टूरिज्म। पाकिस्तान के अंदर इतनी डाइवर्स किस्म की टूरिज्म के लिए जगह हैं, और ये बिल्कुल एक अनटैप्ड पोटेंशियल था, ना किसी ने इसके ऊपर तवज्जो दी। हमारी वीज़ा रेजीम इतनी थी कि वो डिस्करेज करती थी टूरिज्म, तो उसके ऊपर हमने, ये गवर्नमेंट अब पूरी तरह टूरिज्म के ऊपर जोर लगा रही है, और हमने जो अभी फिगर्स देखी हैं कि इंटरनल टूरिज्म डबल हो गई थी एक साल के अंदर, तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इसमें जस्ट आपको फिगर्स अगर दे दूँ तो मलेशिया का टूरिज़म का जो सालाना उनका उनकी उनको जो टूरिज़म से फ़ायदा होता है वो $20 बिलियन है, और हमारी एक्सपोर्ट्स पूरी 23 बिलियन है, और तुर्की का $40 बिलियन है टूरिज़म से, और जो स्विट्ज़रलैंड जिस जो आधा साइज़ है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का, वो $80 बिलियन है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है ये टूरिज़म का, जो क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उस जैसी माउंटेन ट्रैकिंग सीनरी स्कीइंग कहीं दुनिया में नहीं है। सो सेकंड हमारा टूरिज़म के ऊपर थ्रस्ट है, और तीसरी चीज़ हम अब अपनी पूरी तरह आईटी के ऊपर जोर लगा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के ऊपर। ये पूरा ये नई दुनिया इस तरफ जा रही है, तो ये पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और इसके अंदर इंशाल्लाह बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक तो हमारा यंग पॉपुलेशन है, और इससे हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इसके ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने अपनी यूथ के लिए स्किल्स एजुकेशन के ऊपर अब जोर लगा रहे हैं, कर्जे दे रहे हैं लोगों को, नौजवानों को स्टार्टअप्स के लिए। कभी पाकिस्तान में हमने मेरे ख्याल में 50 बिलियन के हमारे स्कॉलरशिप्स, कभी इतने ज़्यादा किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी स्कॉलरशिप्स पे, तो ये सारा है। और जो साथ साथ प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, वो हमारा एहसास प्रोग्राम है। एहसास प्रोग्राम पहली दफ़ा एक स्टेट उस वो चीज़ें कर रही है पहले नहीं, मसलन पनागा हैं, ऑलमोस्ट हमारे 160-170 पनागा बन चुकी हैं, और ये अगर आप उनके अंदर कभी जाएँ, ज़रूर मैं इनक्रेज करूँगा, आप जाएँ देखें, लोगों से बातचीत करें, तो आपको पता चलेगा कि हमारे लोगों के कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी उन लोगों की, जो बेचारे डेली वेजर्स हैं, जो बेचारे जो निचला तबका है, और ये एक्सपेंड करते जा रहे हैं। लंगर ये यूरोप के अंदर जब मुश्किल वक्त आता था सूप के जाते थे ताकि लोग भूखे ना हों, तो हमने ये पूरा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जिधर जिधर कच्ची बस्तियाँ हैं, गरीब इलाके हैं, उधर हम फ्री लोगों को कम अज़ कम खाना, दाल रोटी उनको मिले। उसके बाद हेल्थ कार्ड है, ये एक रेवोल्यूशन है पाकिस्तान में कि पहली दफ़ा हमने अब तक 6,60,000 खानदानों को हमने हेल्थ कार्ड दे चुके हैं। ये पूरी रेवोल्यूशन है, 7,20,000 रुपया एक ख़ानदान के लिए, कि अगर कोई भी बीमार होता है किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाता है, कभी पाकिस्तान में नहीं था। ये याद रखें कि ये जो बीमारी है, ये एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को गुर्बत के नीचे धकेल देती है। एक ख़ानदान में जैसे वो बजट उनका बड़ा थिन होता है, चल रहा होता है, जैसी किसी को बीमारी होती है, वो क्योंकि वो पैसा उधर चला जाता है, वो सारा ख़ानदान गुर्बत से नीचे चला जाता है। ये बहुत बड़ा ड्राइवर है पॉवर्टी का। तो ये हमारा जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा हमारी गवर्नमेंट ने इंसानों के लिए काम किया है वो हेल्थ कार्ड है। उसके अलावा अब हम एक अपना एहसास कार्ड निकालने लगे हैं, कफालत, जिससे वो डायरेक्टली वो गरीबों के अंदर बांटे जाएंगे, उनको जो डायरेक्ट पैसे जाएंगे जो बिल्कुल निचले हैं। फिर हमने यूटिलिटी स्टोर्स को अब पैसे दिए हैं, इनके अंदर कोशिश सिर्फ ये है कि जो तनख्वाहदार तबके हैं, जो आजकल की महंगाई में उनके लिए मुश्किल है, वो जाके सस्ती जो बेसिक चीज़ें हैं, दाल, चावल, आटा, घी, चीनी, ये उधर जाके स्टोर से ले लें, इसको ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो ये यूथ प्रोग्राम, ये कर्ज़ों का है, ये यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी कोशिश है। लेकिन जो प्रोग्राम लोगों को नौकरियां देगा, वो हमारे दो फ्लैगशिप हैं, एक टूरिज़्म है और दूसरी हमारी जो ये 50 लाख हमने
अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग एक ऐसी चीज़ है इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें बड़ी रुकावटें थी, लॉज है, अभी भी एक कानून फंसा हुआ है अदालत में फोरक्लोजर लॉज का। ये जैसी जैसी इसमें से कंस्ट्रक्शन में रुकावटें रुकेंगी, ये जब कंस्ट्रक्शन चलनी शुरू होती है तो इससे 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कनेक्टेड हैं इससे, तो पूरा मुल्क के अंदर एक माहौल बन जाता है। ये हमारा इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर शुरू हो जाएगा काम। सो बेसिकली मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, एक चीज़ ये सबके लिए समझना, इसलिए महातिर मोहम्मद का आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ें। देखें, ये नहीं हो सकता कि अगर एक घर में डाका पड़े और उसके ऊपर कर्जे चढ़ जाएं, ये नहीं हो सकता कि वो घर ओवरनाइट ठीक हो जाएगा। ये होगा ही, एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। दुनिया में जब भी कोई मुल्क का वो हाल हुआ है जो हमारा हुआ, कि रिकॉर्ड कर्जे, रिकॉर्ड खसारे, डेफिसिट्स, फिस्कल, ये नहीं हो सकता कि एकदम हम कोई चाबी करेंगे और एकदम मुल्क ठीक हो जाएगा। तो एक प्रोसेस से गुजरती है, और हम कोई पहली कौम नहीं है जिस मुश्किल मरहलों में फंसे हैं। मलेशिया का तो आपके सामने एग्जांपल है, लेकिन बहुत और मुल्क हैं, जंगों के अंदर मुल्क तबाह हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी कौम तबाह हो गई, लेकिन वो एक प्रोसेस से गुजर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये भी होता है कि नहीं भी होते। वेनेजुएला के अंदर जो आप हालात देख लें, हालांकि वहाँ तेल भी है, वहाँ इतने नोट ले जाने पड़ते हैं एक डबल रोटी खरीदने के लिए, तो कई मुल्क और भी नीचे स्लाइड कर जाते हैं। ये जो अब इकोनॉमिक माइग्रेंट्स देख रहे हैं, अब जो यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, किश्तियों में जा रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे से बहुत बुरे हालात हैं। तो हमारा अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना और नीचे जा सकता था। तो फॉर्चुनेटली मुल्क स्टेबल है, और अब इंशाल्लाह ये जो साल है हमारा, हम अपनी ग्रोथ ऊपर करेंगे और ये सही डायरेक्शन पर जाएगा जब लोगों को नौकरियां मिले। जी, क्वेश्चंस। मुजम्मिल, आपसे मैं स्टार्ट करूंगा, काइंडली अगर माइक एक मुजम्मिल को दे दें। सलाम खान साहब, सही मुजम्मिल हसन ज़ैदी फ्रॉम जे एन डी एनालिटिक्स। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज डिजिटल मीडिया के लोगों को पहली दफ़ा बुलाया यहाँ पर, स्पेशली हम कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं। क्यूमुलेटिव अरसला ने बताया 25 मिलियन रीच है रफली, बट नोबडी हैज़ एवर टेकन अस सीरियसली बिफोर, सो थैंक यू सो मच, वी आर एक्सट्रीमली ऑनर्ड। उसी के साथ साथ मैं अरसलान का भी शुक्रिया अदा करूँगा, पिछले एक साल से वो काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर, और पर्टिकुलरली हमें जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो उन्होंने इंटीग्रेट किया है। वी आर कंपैरेटिवली स्मॉल इंडस्ट्री, बट अ न्यू इंडस्ट्री जिसकी $400 मिलियन की नेक्स्ट ईयर वर्थ हो जाएगी इंशाल्लाह। वी क्रिएटेड ऑलमोस्ट 500,000 जॉब्स एंड 15,000 जॉब्स हम हर साल बनाते हैं। सो ऑल द पीपल दैट यू सी हेयर, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे काम शुरू किया जब ना पैसा था ना जॉब्स थी, और ये सिर्फ पैशन ड्राइव करके ये लोग इस जगह पे लेकर आए। सो आई लाइक टू थैंक यू बोथ फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। सवाल इसमें मेरा जो प्राइमरीली होगा वही होगा कि आपने पिछले 5 से 10 साल के अंदर जो नौजवान हैं पर्टिकुलरली, उनको बहुत ज़्यादा होप दी, और जो हम स्पेशली कॉन्टेंट क्रिएटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ही यूथ की आवाज़ भी हैं और हमें ही यूथ ट्रस्ट भी करती है, दे जनरली डोंट ट्रस्ट अदर सोर्सेज एज मच। हमें ये बहुत ज़्यादा इस पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्जेशन सुनने को मिल रही हैं कि दे सीम होपलेस एंड डायरेक्शनलेस। प्री इलेक्शन आपने लोगों को एक डायरेक्शन दी थी, एक नौजवान को अपने पीछे लगाया था, बट पोस्ट इलेक्शन आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स बहुत सारी ऐसी थी जिसके ऊपर आप थोड़ा सा डिफेंसिव के ऊपर चले गए थे। अ लॉट ऑफ टाइम्स द कॉन्वर्जेशंस दैट वी सी और हियर फ्रॉम यू आर ऑल्सो के एक्सप्लेनेटरी, कि क्या मसाइल हैं, वो क्यों हैं, बट हमारी तरफ बहुत सारी यूथ ऐसी है जो कि अब चाह रही है, कह रही है कि हमें बताएं कि हम क्या करें, हम अगर मुल्क बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, एक तो जो सोशल मीडिया है, ये तो तहरीके इंसाफ का सबसे बड़ा वेपन था, इसलिए कि तब किसी को समझ ही नहीं थी सोशल मीडिया की जब हम शुरू हुए, और हम इनफैक्ट अगर सोशल मीडिया हमारे साथ ना होता तो मैं समझता हूँ कि हम ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिस तरह का पैसा चल रहा था, क्योंकि ये माफियाज हैं, आपको पहले समझना चाहिए। देखें, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, नो योर एनिमी। आपका मुकाबला है किससे, जब तक आपको ये नहीं समझ आएगी आप उसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो जब भी एक वो सिचुएशन होता है ना मुकाबले का, पहले तो आप असेस करें कि मेरा हो किससे रहा है। हमारा मुकाबला हो रहा है इस मुल्क के 30 साल के इंट्रेंच्ड माफिया से, और वो माफिया इतना इनग्रेंड है, और वो जो महातिर मोहम्मद वो जो कहते हैं
वो एग्जैक्टली ये कहते, उनका भी मुकाबला ये हो रहा है कि वो एक इंट्रेंच्ड सिस्टम है, तो आपकी कामयाबी का मतलब उनकी मौत, उनकी ये नहीं कि उनका फेलियर, वो जेलों में जाएंगे, इसलिए उनकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, वो पैसा चला रहे हैं मीडिया पे हर रोज अफरा तफरी, तबाह हो गया मुल्क, मारा गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हमारा पहला तो साल इतना मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तान को बचाना था डिफॉल्ट से, ये खतरा था कि हमारा रुपया गिर उधर तक गिर जाए, तो अगर आज महंगाई लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो अगर रुपया और गिर जाता जो गिर सकता था क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था रुपए को सपोर्ट करने के लिए, सो वो बड़ा मुश्किल हमारे लिए टाइम था पहला साल। तो फ्रैंकली मेरे पास तो टाइम ही नहीं था नॉर्मली, तो मैं खुद नैरेटिव सेटिंग करता था अपनी पार्टी की कि क्या हमने किस तरह इस माफिया का मुकाबला, क्योंकि मैंने तो इस मुकाबले का 22 साल मुकाबला किया, तो मैं तो जानता हूँ इनको, मैं तो आई नो दी एनमी, तो बाकी उनको तो नहीं पता था, वो पार्लियामेंट खेल रहे थे या वो समझ रहे थे कि नॉर्मल डेमोक्रेसी हो रही है, उन्हें नहीं पता था कि मगरमच्छों के साथ मुकाबला है जो हर निचली सतह पे गिर सकते हैं। एक चीज़ सोशल मीडिया को मैं ज़रूर कहूँगा, देखें कभी ना अलाउ करें किसी को इस नीची सतह के ऊपर गिरने के लिए जिधर ये आपकी फैमिलीज को अटैक करते हैं, किसी के घर वालों को अटैक करते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन में नहीं है। कभी भी मैंने इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया, जो वो ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है, ना वो कोई आती है सामने। मरियम नवाज का तो ये, मरियम सफदर का, कि वो तो खुद जाके पूरा उनका सेल चलाती है, जो स्मेयर कैंपेन करती है, स्टेटमेंट्स खुद देखती है, पॉलिटिक्स में है। लेकिन जिसका लेना देन, बस हमने कभी कभी हमारी पार्टी में से किसी ने कुलसूम नवाज के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, और ना ही कहना चाहिए, यह तहजीब के खिलाफ है। लेकिन ये इतने नीचे गिरते हैं, इनको आपको बख्शना नहीं चाहिए। हमारे सोशल मीडिया से ये डरते थे लोग, जब ये कोई भी चीज क्रॉस करते थे हमारा सोशल मीडिया एकदम इनको पकड़ लेता था। तो एक तो पर्सनल लेवल के ऊपर कभी ना इनको आने दें, क्योंकि ये राणा सनाउल्ला जैसे लोग जो हैं, जो गटर से उठे हुए हैं, क्रिमिनल्स हैं, कातिल हैं, अपनी इनकी पार्टी वाले कहते हैं 18 कत्ल किए हुए हैं इसने, वो भी डिबेटेबल है, उससे ज़्यादा ही होंगे उसके, तो ये वो लोग हैं, इनका साथ हमारा मुकाबला है, इसलिए ये हर लेवल पे गिरते हैं। और हमने जो गवर्नमेंट आई तो हमारे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था कि हम कॉन्सनट्रेट करें अपने मीडिया पर और नैरेटिव के ऊपर, क्योंकि एक सर्वाइवल की वो सबको जंग चली हुई थी, इसलिए इन्होंने एक हैमर करके, एक सब यूनाइटेड थे, इंटरेस्ट सबका एक था, चाहे एक को अपने आप को कोई दीन के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहा था, कोई अपने आप को लिबरल कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, हमारे खिलाफ सब जो एक थे, जो आपने कंटेनर पे देख लिया था सबको। इनमें कॉमन चीज़ ये थी कि ये सारे डरे हुए हैं जेल जाने से, इनकी कॉमन चीज़ यह है कि इनको सबको पता है कि जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है हमें इनकी चोरियाँ पता चलती जा रही हैं कि इन्होंने कितना पैसा इस मुल्क का चोरी किया, और उसके डर से ये जल्दी पहले दिन से ये इनकी कोशिश रहती है कि किस तरह गवर्नमेंट चली जाए। और गवर्नमेंट इसलिए नहीं जाएगी कि उनके कोई लॉफ्टी आइडियाज हैं, इसलिए जाएगी कि पकड़े ना जाए। इसलिए ये जो आप डिफेंसिव की बात करें ना, हमने बड़ा लेट हमने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया इनको, क्योंकि शुरू में तो हम सारे 12-12 घंटे 8-8 घंटे तो काम कर रहे थे, बल्कि मैंने तो कोई छुट्टी नहीं ली पहला एक साल, तो सारा वक्त हम काम कर रहे थे, कई एक फायर फाइटिंग कर रहे थे। तो इसलिए जो आपको कहते हैं ना एक्सप्लेनेशंस, वो इसलिए देनी पड़ी। लेकिन हम अपना पूरा एक रोड मैप लेके आ रहे हैं ये, और इसी महीने में, जिसमें हम बकायदा लोगों को बताएंगे कि हम किस टाइम पे क्या क्या हमारे अब इनिशिएटिव्स खुलने लगे हैं, क्या हम करने जा रहे हैं। और नौजवानों को एक चीज़, मैं अभी स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर बड़े फ़नी कमेंट्स आए हैं कि असल में सुकून तो कब्र में मिलता है, तो उसके ऊपर मैं नोटिस कर रहा था कि बड़े वो एक कायम अली शाह की कुछ चल रही है कि उसने कहा कि जी वो भुट्टो तो अभी भी जिंदा, तो कब्र में कैसे सुकून आ सकता है, पता नहीं। सो मतलब मेरा ये होता है कि ज़िंदगी जो है ना आपकी, प्लीज़ एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, ये हैप्पीली एवर आफ्टर सिर्फ फेरी टेल्स में होता है, रियल लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं होती। रियल लाइफ का मतलब होता है स्ट्रगल। जब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है ना,
तो आप ये समझ जाएं कि इट्स ऑल स्मूथ सेलिंग डाउनहिल। स्ट्रगल होता है जो कि आपके अंदर वो पोटेंशियल आपका निकालता है बाहर। जितने जितने आप चैलेंजेस लेते रहते हैं, वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि डू नॉट जज फॉर व्हाट अ पर्सन इज, जज देम बाय व्हाट दे एस्पायर टू बी। क्योंकि आपकी एस्पिरेशंस डिसाइड करेंगी कि आप कितने बड़े इंसान बनेंगे या कितने छोटे इंसान बनेंगे। सो ये जो स्ट्रगल होती है ना, ये यूथ के लिए, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि स्ट्रगल के अंदर एक इंसान की बड़ी क्वालिटीज निकलती हैं। आज तक कोई बड़ा इंसान दुनिया में निकला ही नहीं है जो जिस स्ट्रगल नहीं की और जिसने बुरा वक्त नहीं देखा। तो एक मुल्क कौमों की जिंदगी में भी बुरे वक्त आते हैं, और बुरे वक्त आने हैं। आपका घर को लूटा गया दोनों हाथों से, 4 गुना ज्यादा कर्जा पाकिस्तान का 10 साल में बढ़ा है, यानी 6 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे पाकिस्तान का कर्जा 10 सालों में पहुंचा है। 60 सालों में 6 ट्रिलियन और 10 सालों में पहुंच गया 30 ट्रिलियन। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और एक इमेजिन करें ना, एक घर है आपका, एक घर के अंदर जब वो लूटा जाता है, और तो वो टाइम लगता है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाते हैं, सारा घर काम करता है मुश्किल वक्त में, खर्चे कम करते हैं, लग्जरीज कम करते हैं, ये कौम को भी करना पड़ता है। तो जो यूथ के लिए मेरा है कि देखें, शुक्र करें कि आपका मुल्क स्टेबल है अब, शुक्र करें कि दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है अब। कितनी देर के बाद पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि उनको कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। स्टॉक मार्केट जो एकदम नीचे रॉक बॉटम से ऊपर गई, कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों पे। सो अब आगे जो है यूथ के लिए इंशाल्लाह बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। मैं आज आपके सामने एक प्रेडिक्शन करता हूं, किसी का भी, ये सारे इर्द गिर्द के मुल्कों के अंदर किसी में इतना पोटेंशियल नहीं है जो पाकिस्तान में है। ये अल्लाह ने, मैं तो जब से गवर्नमेंट में हूं, मैं खुद, मेरा माइंड बॉगल करता है कि किस तरह की, यानी अल्लाह ने एग्रीकल्चर में हम कहां से कहां जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पानी, उसको भी सही नहीं इस्तेमाल कर, कोई टेक्नोलॉजी नहीं हम इस्तेमाल कर रहे। सिर्फ एज एन एग्रीकल्चर कंट्री पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है कि सबसे आगे निकल सकते। फिर यह मिनरल वेल्थ जो है, ये लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि सिर्फ जो हमारी इस वक्त 14 उन्होंने रिजर्व्स रिकॉर्डिंग में, सिर्फ एक जगह पे 14 रिजर्व्स हैं गोल्ड और कॉपर के। सिर्फ 2 जो है ना उनके असेस किया हुआ है उन्होंने, जो 2 अभी जिसके ऊपर उन्होंने असेसमेंट किया है, उन 2 का जो प्रॉफिट है वो $100 बिलियन है। यानी सारा जितना हमारा फॉरेन डेट है वो उतार सकते हैं। सो ये इतने इस पे, फिर कोयले के जो रिजर्व्स हैं हमारे पास इतना है, हमें कभी फिक्र ही नहीं करेंगे सारी ज़िंदगी, वो सिर्फ थर कोल से बिजली यहाँ से अगले 50 साल तक मिल सकती है। सो ये मुल्क में है, अनफॉर्चुनेटली ये सारा अनएक्सप्लोर्ड और अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है। सो यूथ को कहना कि आगे बड़े अच्छा वक्त आ रहा है। जी जी, थैंक यू सो मच। क्विकली, जैसे आपने नैरेटिव वाली बात की, और जब फवाद चौधरी साहब भी मिनिस्ट्री में थे, उन्होंने PTV को रेगुलेट करने की कोशिश की, जिस तरीके के साथ अर्दोगान ने TRT शुरू किया, AJ+ है या और नेटवर्क्स हैं, सो उस साइड के ऊपर आपके ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो क्या करे? रिसेंटली आपने जैसे अर्तुगुल वाला ड्रामा आपने कहा, फिर कुछ इंटरटेनमेंट शोज हैं, लेकिन अभी तक हमें एज सच कुछ नज़र नहीं आ रहा उस हवाले से। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पाकिस्तान को जो थ्रेट है ना, और आप सब वो जो कंटेंट बनाते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए रियलाइज़ करना कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। वो चैलेंज आ रहा है ये मोबाइल फ़ोन की वजह से, और मोबाइल फ़ोन में बच्चों को वो कंटेंट अब अवेलेबल है जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं था, ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं था। उसका फॉल आउट आ रहा है, और बच्चों अब इतनी तेज़ी से ड्रग्स इस स्कूलों के अंदर अब जा रही हैं, जो कि हम मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया जब से पावर में हम, पता चला है। और दूसरा जो सेक्स क्राइम है, ये स्काई रॉकेट कर रही है पाकिस्तान में, जिसमें पीडोफिलिया है, जो बहुत सीरियस चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में हम सबसे सैडली के पाकिस्तान में जा रही, तो उसके ऊपर क्लैम्प डाउन तो कर रहे हैं।
लेकिन इसकी एक और वजह है कि हमारे हम कर क्या रहे हैं, हम एक कंटेंट लेते हैं जो कि पहले आता है हॉलीवुड से, फिर बॉलीवुड में, फिर पाकिस्तान में, एक वो कंटेंट आ रहा है इस मुल्क के अंदर जो लोग रियलाइज ही नहीं करते, क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं समझते, उनको यही नहीं पता कि उस सिविलाइजेशन की जो जो सबसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वाया हॉलीवुड। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि फैमिली सिस्टम टूट रहा है, तलाकें बढ़ रही हैं। मैं जब इंग्लैंड में गया था पहली दफ़ा तो 1 in 14 डिवोर्सेज थी, 14 में 1, अब वहाँ ऑलमोस्ट 70-80% डिवोर्स है, फैमिली सिस्टम टूट रहा है। क्योंकि जितनी जितनी आप ये फाशी इसको परमिसिव कल्चर को प्रमोट करते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फैमिली सिस्टम पर जाता है। और आप इंडिया में जो हाल देखें इसका, इस कितना जो नुकसान हिंदुस्तान में पहुंच रहा है उनकी जो एक क्लास के अंदर, तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये जो ड्रामा की बात कर रहा था, ये जो सीरियल टर्की में, ये पहली दफ़ा किसी ने एफर्ट की एक अल्टरनेटिव कल्चर देने के लिए लोगों को कि एक और भी कल्चर है। ये जो नॉनसेंस आ रहा है और ये डीजेनरेट हो गया और इसको, इसके अलावा एक और कल्चर जो कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव कल्चर प्रोड्यूस किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि लोग रियलाइज नहीं करते इसके कॉन्सिक्वेंसेज डायरेक्टली फैमिली सिस्टम पे हैं। और दुनिया ये बताती है, आज अमेरिका के अंदर जब फैमिली सिस्टम उनका टूटा है तो आप देखें कि जो जिनकी जिन एथनिक ग्रुप्स की अमेरिका में फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है वो सारे एकेडमिकली सबसे आगे निकल गए हैं, और जिनके फैमिली सिस्टम टूटते हैं वो पीछे रह गए, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स और भी जो इसके इम्पैक्ट हैं, बट वो एकेडमिकली कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने तुर्की ने प्राइम प्रेसिडेंट अर्दोगान, महाथिर मोहम्मद और मैंने बैठ के हमने सोचा था कि हम एक अल्टरनेटिव दें अपनी मुसलमान दुनिया को, लोगों को। पहले तो एक इस्लामोफोबिया जो स्प्रेड कर रहा है उसके लिए बताएं कि एक्चुअल इस्लाम क्या है, और सेकेंडली फिर अपनी यूथ को एक अल्टरनेटिव दें, क्योंकि ये अब आप डंडे से तो नहीं ख़त्म कर सकते, ये एक अल्टरनेटिव, एक सुपीरियर नैरेटिव से ख़त्म कर सकते। जी Assalamu alaikum. I'm Uswai Zainab, a student of 9th Cambridge 01 and a devoted follower and fan of yours. So, ye hai mera sawal ki aap apni har takreer, har khitab mein youth ko kehte hain ki hame janna chahiye aur padhna chahiye, study karna chahiye ki Islam kya hai, Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam kya hai, Riyasat-e-Madina kya hai, hamare aslaf ke tareeke kya hain. तो मैं, मेरा ये सवाल है कि यूथ पर उसका असर होता हुआ नज़र नहीं आता, कोई उसका असर नहीं लेता, और आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे ना सिर्फ यूथ को पता चले कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, बल्कि कोई अमल होता हुआ भी नज़र आए? देखें, दो चीज़ें। पहले तो ये जो जो मदीना की रियासत का मॉडल है, ये आपको समझना चाहिए फिनोमेना क्या है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये मस्जिद के अंदर बातें होती रहती हैं, लोग इसको दीन की तरफ ले जाते हैं। ये एक्चुअली जो कुरान है वो आपकी वो एक वे ऑफ लाइफ है, और सारी चीज़ें कुरान में अल्लाह ने लिखा हुआ है आपकी बेहतरी के लिए। जो चीज़ें कुरान में हैं वो अगर इंसान फॉलो करता है उसकी ज़िंदगी बेहतर होती है। तो दो मॉडल्स हैं, एक है मदीना की रियासत और दूसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अब ये दो क्यों कुरान कहती है कि इनके मॉडल फॉलो करो? कुरान कहती है नबी के उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी ज़िंदगी से और फिर उनके जो उनकी सुन्नत उस पर चलो। वो इसलिए कि दुनिया की तारीख में ये दोनों सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। आज जो मदीना की रियासत थी वो बेसिस बनी थी दुनिया का सबसे अजीम सात जो मुसलमानों का सिविलाइजेशन था वो बेस हुआ था मदीना की रियासत पे, और वो मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे बनी थी। वेलफेयर स्टेट, ये पहली दफा कॉन्सेप्ट आया था, रूल ऑफ लॉ, सारे कानून के सामने एक बराबर,
کوئی ریشل ڈسکرمنیشن نہیں تھی. آخری خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسان چاہے جو مرضی آپ کا رنگ ہو ایک ہیں. یعنی وہ ایک ماڈرن ریاست تھی, سب عورتوں کو رائٹس دیے گئے, غلاموں کو آزاد کیا گیا, یہ ساری سب ماڈرن کانسیپٹ. ٹالرنس, ریلیجن, ریلیجس ٹالرنس, یہودی کیس جی جاتا ہے خلیفہ وقت کے سامنے, ان تھنکیبل آج بھی, تو وہ سب ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور وہ بیسس بنا ایک ٹوٹے پھوٹے جو یعنی جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی, دو سپر پاورز کے سامنے وہ اٹھ کے دنیا کے لیڈرز بن گئے. اور یہ کتنی تیز بنے یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہیومن ہسٹری ہے, یہ میتھولوجی نہیں ہے. یہ 625 میں بدر کی جنگ ہوئی, 313 مسلمان, 636 میں 11 سال کے بعد رومنز کو انہوں نے بیزنٹائن امپائر کی شکست ہوئی یارموک کے اندر, 11 سالوں میں ان کے 1,00,000 فوجی تھے جو لڑنے والے تھے اور سب سے ماڈرن ان کے ویپنز تھے. اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا, کبھی ایسا انسان کی کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں آج تک. تو آ ہم کتابیں پڑھتے ہیں, جو بھی کچھ کامیاب ہوتا ہے بزنس میں وہ کتاب لکھ جاتا ہے, وہ ہر کی بل گیٹس کی کتاب ہے سب کی, لیکن کسی انسان نے تو وہ کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا ہے. تو یہ تو 100 گریٹسٹ مین میں بھی نمبر 1 پہ ان کو رکھتے ہیں کیونکہ کسی نے اچیومنٹ نہیں کی. دیئر فور یہ کامن, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کو اسٹڈی کرو, دونوں کو, مدینہ کی ریاست کو اسٹڈی کرو, ان کی زندگی کو, کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے زندگی میں تو ان کی زندگی میں سب کچھ ہے. آپ ان کے کیریکٹر کیا, ان کی زندگی میں کیا اسٹرگلز آئیں, کیا انہوں نے فیس کیا, تو یہ سب کچھ ہے. سو تو پہلی چیز تو میں یہ لوگوں کو یہ اس لیے کہتا ہوں, یہ اس سے بہتر آپ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے, اس ملک نے اگر اوپر جانا ہے ہمیں ان پرنسپلس پہ جانا پڑے گا جو مدینہ کی ریاست تھی. اب آگے سیکنڈ چیز, آپ نے کہا جی کچھ فرق نہیں پڑا, آپ کو پتہ ہے انہی کی زندگی سے سیکھتے ہوئے 10 سال کے بعد ان کی تبلیغ کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے. پوائنٹ کیا ہے کہ یہ اور قرآن کے اندر بھی ایک جو سب سے بڑی صفت دی گئی ہے وہ پیشنس ان ایڈورسٹی, صبر کرنا. آپ کوشش کرتے رہتے ہیں, پلیز ایک چیز یاد رکھنا, یہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا, آپ نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں, اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا, راستے پہ لگا. پلیز یہ یاد رکھنا بار بار, وہ منزل نہیں آپ مانگتے کہ وہ جس پہ اللہ نے تُنہیں, ان کے راستے پہ لگا جن کو تُنہیں نعمتیں بخشی. سو آپ کا صرف کام ہے اس راستے پہ چلنا, کامیابی اللہ دیتا ہے. میں کتنی دفعہ آپ کو کہتا تھا جب سارے ہمارے بیچارے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے کہ اب تو کوئی چانس نہیں, عمران غزالی ڈرا ہوتا تھا کہ جی اب کیا ہوگا, اب تو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں آپ کو کہتا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے, نیت وہ جانتا ہے, کامیابی تو وہ دیتا ہے. یہ تکبر ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ جی میں جیت گیا, جیت جتانا تو اس نے ہے, کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے. سو دیکھیں ہم اس, یہ ایک ملک کا ایک بڑے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے, یوتھ کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے, بے روزگاری ہے, اکانومی نہیں ابھی چل رہی, لیکن یہ ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے, جب لوگ جو انسان ہوتا ہے نا, ایک چیز یاد رکھیں, ہارتا کب ہے انسان, ہار کبھی انسان کو نہیں ہراتی, ہارتا انسان تب ہے جب کہ ڈاؤن سوئنگ کے اندر وہ ڈیمورلائز ہو کے ہار مان جاتا ہے. جب تک وہ ہار نہیں مانتا وہ امپاسبل سچویشن سے آ کے جیت جائے گا. جب تک وہ ہار کے ڈائنامک سمجھتا ہے کہ یہ برا وقت آیا ہے, اس سے ہر فیلئر آپ کے لیے آپ کو سکھاتا ہے چیزیں, فیلئر سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے, آپ سول سرچنگ سیکھتے ہیں, اور جب وہ اپنی غلطیاں دور کرتے ہیں اور تکڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے زندگی کا سائیکل. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابھی نہیں لوگ آ رہے, تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, 2 سال میں آ جائیں گے, 3 سال میں آ جائیں گے. جی Assalamu alaikum. My name is Maryam Ali and I'm a business journalist and I create digital content on the economy. So sir, you talked a lot about the industrialization policy that your government is going to introduce, and you said that the model that you have in mind is the 1960s of Pakistan,
But as everyone over here who has taken Pakistan Studies knows, most of that wealth was concentrated in the hands of 22 families. How are you going to make sure that your industrialization policy isn't concentrated in the hands of the few, and how are you going to redistribute that wealth? And also, how are you going to make sure that your industrialization policy actually leads to our exports increasing? Because currently our exports are quite sluggish, and no matter how much we depreciate our currency, they haven't been improving. Thank you. जो सेकंड क्वेश्चन है, देखें जब आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा रुपया, हमारी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हो गई हैं, तो वो एक टाइम लैग होता है जब वो आप अपनी पूरी करने के लिए मे बी नई इंडस्ट्री लगती है, मे बी नई इन्वेस्टमेंट आती है, वो एक टाइम लैग होता है उसमें. बट द फैक्ट इज़ कि जो टर्न अराउंड हो गया ऑलरेडी, कि हमारी एक्सपोर्ट्स ने पिकअप किया, कई कई एक्सपोर्ट्स तो 30-30% हमारी कॉटन टेक्सटाइल्स के अंदर, कई जगह मेरे ख्याल में टावल्स या कई चीज़ें, वो 30-30% इंक्रीज कर गई हैं. सो वो डायरेक्शन तो ठीक हो गया. सो विल टेक अ बिट ऑफ टाइम. जहाँ तक वो जो 60s में आपने बात की ना कि एकदम वेल्थ कॉन्सनट्रेट हो गई थी थोड़े से लोगों के अंदर, ये होनी थी. जब आप वेल्थ क्रिएशन करते हैं, वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी? जिस आदमी के पास पैसा होगा एक्स्ट्रा, वो ही लगा के करेगा ना. गरीब आदमी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकता. प्रोजेक्ट्स तो वही करेंगे जिनके पास कैपेसिटी होगी. जो हमने गलती की, मैं आज अब आपको बता दूँ, 60s में जब हम तेज़ी से आगे जा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि वेल्थ क्रिएशन थी. करना क्या चाहिए था, हमने उसको, जिस तरह चाइना में हुआ है, चाइना में वेल्थ क्रिएशन हुई, उन्होंने जो पैसा था, जो जैसे जैसे वेल्थ, उन्होंने पैसा नीचे लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए खर्च कर दिया. सो चाइना ने 70 करोड़ लोगों को 30 साल में गुर्बत से निकाला है. ये ह्यूमन हिस्ट्री का मिरेकल है. 700 मिलियन पीपल टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी. क्या किया? वेल्थ क्रिएट की. उस क्रिएशन से उन्होंने निचले तबके को ऊपर उठा दिया. तो जब हमारे पास सरप्लस होगा तो हम निचले पे खर्च करेंगे ना. सो जो हमने गलती की एंड ऑफ 60s, सोशलिज्म ले आए, नेशनलाइज कर दिया, उससे क्या हुआ, इंसेंटिव ही ले गए हम सब. देखिए मैंने मसलन, हमने शौकत खानम में जब हमने उसको कामयाब करना था, 14-14, 16-16 घंटे दिन में काम किया. लेकिन जो नेशनलाइज्ड होती है, ये क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि वहाँ वो सुबह आए, काम किया, चले गए, चाहे लॉस हो या, क्योंकि उसके, उनको तो सैलरी मिल रही है. कभी भी ये याद रखें कि गवर्नमेंट का कंपीट करना प्राइवेट सेक्टर से है ही मुश्किल. इसलिए कि जो दर्द लेता है एक आदमी, मुझे पता है मेरी अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मैं मेहनत ही करूँगा, मैं तो पागलों की तरह काम करूँगा. जब मुझे पता है कि लॉसेज होती जाएँ, PI की भी लॉसेज हो चुके हैं, वो स्टील मिल भी बंद हो जाए, मुझे तो पैसे मिलते जा रहे हैं, मैं क्या. सो इट कैन नॉट कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर. सो जो गलती हमने की, बजाय उसको, वो जो प्रॉफिट्स इकट्ठे हो गए थे थोड़े, उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं. हम ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म को अटैक करते हैं, हमने उनको सारी इंडस्ट्री बंद करके, यानी उसको सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ख़त्म कर दी. सो हम जो करेंगे, हमारा तो प्लान ही वेल्थ क्रिएशन का ये है कि जैसे जैसे पैसा इकोनॉमी में आएगा, उसको डाइवर्ट करेंगे निचले तबके को ऊपर लाने के लिए. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज एक्सामिर, आई एम एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर. सर, जैसे थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, एक तो ये कि जब कोई आपको अटैक करता है, आपकी फैमिली तक आता है, तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए. उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन के यूजेज के बारे में बात की थी, तो मुझे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमारी इंटरनेट पे सेफ्टी, हम जो जैसे साइबर क्राइम होता है, जो भी बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, तो मुझे पता है कि उसका क्या प्रोसेस है, कि आप कहाँ पे, कौन से कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो. लेकिन बीइंग अ फीमेल, जैसे मुझे बहुत सी, मेरी जिन फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन भी होता है, तो अगर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ इश्यूज जो कुछ भी होते हैं. उसके बाद दूसरा, हमारे पास जो सिटीज़न पोर्टल का ऑप्शन है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे भी अगर किसी चीज़ में डिले होता है, और कुछ केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और बीइंग अ फीमेल आई कैन अंडरस्टैंड, और शायद आपको भी जनरली पता होगा कि फीमेल्स के लिए इतना ईजी नहीं होता है कि वो ओपनली उस चीज़ के बारे में बात कर सकें, तो उस चीज़ का क्या सलूशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सेंसिटिव केसेस भी होते हैं. मैंने ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा हमारी, मैंने अपने सामने ये डी जनरेशन देखी अपनी सोसाइटी की. ये पहले ऐसा नहीं था हमारा मुल्क.
یہاں جب ہم بڑے ہو رہے تھے بڑا رسپیکٹ تھا عورتوں کا. میں جب انگلینڈ گیا پہلی دفعہ میں شوک ہو گیا کہ یہ وہ بالکل وہ جو گورے ہیں وہ رسپیکٹ نہیں کرتے عورتوں کی. ہم تو یہاں بہت بڑا رسپیکٹ تھا یہاں. یہ انفارچونیٹلی یہ جو غلط ٹرینڈس نکلی ہیں اور اس کو ہم نے کلیمپ ڈاؤن کرنا ہے. میں نے یہ اس کو ارسلان کو کہا ہوا ہے کہ ایف آئی اے کے ساتھ یہ کام کریں اور ہم نے ان کو یہ جو سائبر کرائمس کے اندر جو لوگ لگے ہوں اس کے اوپر ہم بڑی بری طرح کلیپ ڈاؤن کرنے لگے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری گورنمنٹ پیچھے رہ گئی تھی. یہ جو سارا یہ جو سوشل میڈیا یہ اتنی تیزی سے آگے گیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اسے کیچ اپ نہیں کر سکی. لیکن اب ہم ان کو تیاری کروا رہے ہیں, وہ لوگ انلسٹ کر رہے ہیں, ہائر کر رہے ہیں وہ لوگ جو ڈیل کر سکتے ہیں سائبر کرائم سے. السلام علیکم خان صاحب, میں نے جنید اکرم اور میں ویڈیوز بناتا ہوں سوشل ایشوز پہ اور ایجوکیشن پہ فوکس میرا زیادہ رہتا ہے. آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی بات کی اور ہمیں نئے بزنسز کو پروموٹ کرنا ہے, مگر جہاں بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں ملک میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجیز پہلے آ جاتی ہے لیکن اس کی ریلیونٹ پالیسیز جو ہیں ان کو آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. فار ایگزامپل جیسے سنگاپور میں اگر آپ نے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے تو 5 گھنٹے میں آپ کی کمپنی بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی بن جاتا ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑی فری لانسرس کی انڈسٹری ہے ٹین ایجرس کی, جو او لیول اے لیول کے بچے ہیں جو کہ بہت ریونیو جنریٹ کرتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کر کے, بٹ سیڈلی وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. تو ایز آف بزنسز کے لیے تو یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہو گیا. پھر ہم اگر آئیں بڑے بزنس پہ, ہم اکثر دیکھتے ہیں جی فلانے اسٹارٹ اپ پہ جی $24 million کی انویسٹمنٹ ہوئی. ان ریالٹی وہ ہوتا ہی ہے, وہ کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں ایمسٹرڈیم میں, کولمبو میں, دبئی میں, کیونکہ وہاں پہ ایز آف بزنس بہت آسان ہے. اور وہ صرف پے سلپس جو ہوتی ہیں وہ والا پیسہ پاکستان میں آتا ہے, کیونکہ پھر اسٹیٹ بینک ان سے کوشچن کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ آئی کیسے. اور پھر جب پیسہ آ جاتا ہے پھر وہ باہر جا بھی نہیں سکتا, آپ اپنے وینڈرس کو نہیں پے کر سکتے, تو بندہ پھنس جاتا ہے اور پھر وہ اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں اور باہر سے ہی گھماتے رہتے ہیں. تو ایز آف بزنس کے لیے کیا پالیسی ہوگی ہماری فیوچر؟ یہ کل میں نے میٹنگ اسی ای کامرس کے اوپر ہی کی ہے اور اس میں یہی چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ بجائے فسیلیٹیٹ کرنے کے ہمارا سسٹم رک آفٹے ڈالتا ہے ان لوگوں پہ, یہی ہماری بیٹل ہے. یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم نے اپنے ملک میں ہی آسانیاں پیدا کرنی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری اتنی بلوٹڈ بیوروکریسی بن گئی ہے اور بھرتیاں کر دی گئی ہیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر کہ وہ جو ہماری جن کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جو یوزرز ہیں ان کے لیے مشکلیں پیدا کی ہوئی ہیں. تو وہاں پوری اس کے اوپر میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ ہمارے پورا ہر روز ہم یہ بیٹل کر رہے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے. اور یہ بالکل بات آپ نے ابھی ٹھیک کی کہ اس ملک کو تو ضرورت ہے کہ ہم باہر سے پیسے آئیں, ڈالرز آئیں, اور ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگا دیتا ہے, تو ہم یہ کر رہے ہیں. پلیز اس کے اوپر صدیق جان. سر بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گو کہ آپ بہت زیادہ اجلاس بھی کرتے ہیں اپنے اسپوک پرسنز کے ساتھ, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فیک نیوز آتی ہے اور وہ 2 سے 3 دن تک چلتی رہتی ہے, 3 دن بعد جا کے اس کو اس کا ریبٹل کیا جاتا ہے, اس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے, 3 دن تک وہ فیک نیوز چلتی رہتی ہے. ابھی جو آپ نے جس طرح بات کی کہ جو آپ نے بات کی کہ سکون تو قبر میں ہوتا ہے, وہ چلتی رہی جب یہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ تھوڑا سا کیا تو تب جا کے اس پہ تھوڑا سا اس کا اثر کم ہوا. ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے کیوں وہ سمجھتے ہیں قبر میں سکون نہیں ہے, لیکن وہ جس جو اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ پھر آپ کو پتا ہے. ہم نے دیکھا جب پنجاب میں شہباز گل صاحب تھے تو ان کا ایک تھا کہ جو چیز آتی تھی 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اس کا کم از کم کوئی چیز وہ سامنے آ جاتی تھی. اب مشوانی صاحب کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا کوئی ایسی ٹیم نہیں بیٹھی پاکستان میں پاکستان کی حکومت کے پاس, آپ کی پارٹی کے پاس, حالانکہ سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس تو اتنے مفت میں کام کرنے والے لوگ ہیں کہ کوئی پارٹی اتنے بندے ہائر ہی نہیں کر سکتی شاید پیسوں سے, تو کوئی ایسا سیل ہونا چاہیے جو ایک طرح سے 24 گھنٹے کام کر رہا ہو, جو اس طرح کی فیک نیوز آتی ہے, جو چیز آتی ہے اس کو فوری طور پر اس کو کلیئر کیا جائے. پیمرا ہم دیکھتے ہیں, پیمرا کوئی کام اس طرح سے نہیں کرتا. تو اور آخری بات جو ایک اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ جاب کریشن کے حوالے سے آپ نے کہا, وہ جن 2-3 ان کو آپ نے شعبہ جات کو کہا, اس میں ایک چیز شاید آپ مس کر رہے ہیں, وہ آئی ٹی کی ہے. آئی ٹی پہ اب آپ کی توجہ آئی ہے لیکن پچھلے 16 ماہ میں ہم نے اس طرح سے توجہ نہیں دیکھی. اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ بہت سارے اینکرز یوٹیوب پہ آ گئے ہیں, شاید یہ لگتا ہے کہ ان کو آزادی ہے یوٹیوب پہ اس لیے آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے, مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں 3 اینکرز کا 2 ماہ میں $71,000 نومبر اور دسمبر میں, 3 اینکرز کے 2 ماہ میں, مطلب یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے, اسی لیے بہت لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا پہ. تو سوشل یہ آئی ٹی کو آپ جاب کی طرف بھی آ جانا چاہیے یوٹیوب پہ, بالکل. تو بات یہ نہیں نہیں یہ بالکل, تو
بات یہ کہ اگر دو تین تو میرے خیال میں وہ دیتے ہوں گے پیسہ اپنے آپ کو یوٹیوب پہ لانے کے لیے, جو جو میں نے دیکھے دو تین. تو بہرحال آئی ٹی کو بھی آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آئی ٹی پارک جو ہیں ڈویژن لیول پہ, اس کو اس کے ذریعے بھی بہت کم وقت میں بہت زیادہ نوجوانوں کو آپ جو ہے وہ جابس اور یہ چیزیں دے سکتے ہیں. ٹھیک, اور کوئی لاسٹ جب بولو بولو, ویسے بول دو. ایکسکیوز می سر, سر دس از وکاس فرام بزنس ریکارڈر. ایف اے ٹی ایف ریویو از کمنگ اپ نیکسٹ منتھ, اٹس اور فائنل ریویو. ڈو یو تھنک وی کین میک اٹ؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ ہوگا نہیں, یعنی ہمیں وہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں پاکستان کو کمپلائی کریں گے. دیکھیں جب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ملک خسارے میں ہوتا ہے, بورو کرنا پڑتا ہے اس کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے, تو پھر یہ ہم ان پریشرز کے اندر پھنس جاتے ہیں. ایک طرف آئی ایم ایف ہے, ایک طرف ایف اے ٹی ایف ہے, یہ کرو تو ادھر آئی ایم ایف, تو یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس سے ہم نکل جائیں گے. لیکن ایف اے ٹی ایف ڈینجر نہیں ہے, بس ایک قسم کا پریشر ٹیکٹکس ہے ہمارے پہ. جی جی ہاں, عمران پی ٹی وی. اچھا ایک منٹ, پی ٹی وی دیکھیں سارے جو ادارے ہیں نا بینکرپٹ ہیں. پی ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنا, 20-30 ارب ہے, پتہ نہیں اتنا روپیہ ساروں اداروں پہ ہے. تو اس لیے ہم اس کو ابھی تک, اور اوپر سے اتنے زیادہ انہوں نے بھرتیاں کر دی ہیں پولیٹیکل بیسس پہ, وہ بھرا ہوا ہے ادارہ, سو اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ہمیں تھوڑے پیسے چاہیے اس کو, اس کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے, لیکن ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر. جی جی جی, لاسٹ ٹو. سر میرا نام سلمان ہے, میں پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ سٹی اور دنیا کے ٹاپ 10 پاپولیٹڈ سٹی کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ویری ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں, سب جانتے ہیں. کچھ مسائل تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ حل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور فوکس مانگتے ہیں, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ کیوریبل ہیں, آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ پچھلے سال ہیلتھ کیئر کے اوپر تو ابھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن ہیلتھ پریونٹیشن جو ہے اس کے اوپر نہیں کیا جا رہا ہے. ڈینگی گندگی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے النیسز اور مورٹیلٹی ہوئی ہیں. تو اس طریقے کے مسائل ہیں, 30 سال تک میں دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس وجہ سے ایک چینج کو میں نے ووٹ دیا ہے اور آپ کو ووٹ دیا ہے. 16 مہینے ہو گئے, ماشاءاللہ کافی اچھے انیشیٹیوز بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں کراچی کے دروازے پہ آ کے رک جاتے ہیں, وہاں پہ نہیں آ سکتے. تو ان فیوچر اور ابھی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں سب, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں اور آپ سب سے میں اینڈ میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں. دیکھیں کراچی کے یہ جو زیادہ مسئلے ہیں نا پاکستان کے, یہ ایک اوور نائٹ نہیں بنے, یہ ایک سسٹم ڈکے کرتا گیا ہے. ہماری جو بیوروکریسی تھی 60s کے اندر, آپ حیران ہوں گے, سارے ایشیا کی سب سے بہترین بیوروکریسی تھی, کوالٹی کی تھی. یہ ڈکے کرتے گئے آہستہ آہستہ, اور جو اصل ڈکے آئی ہے وہ 1985 کے بعد آئی ہے, نان پارٹی بیس پہ جب الیکشن ہوا اور جب سے یہ پیسے کی سیاست شروع ہوئی, لوگوں کو خریدنا شروع ہوا, تب سے ہم نیچے جاتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مڈ 80s تک ہم سارے سب کانٹیننٹ میں سب سے آگے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, اور پھر ہم نیچے چلے گئے. ٹھیک, سو یہ چیزیں ایک اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہو سکتی. میں لوگوں کو, مجھے ہر جگہ وہ ٹی وی کیمرہ والا وہ چلا جاتا ہے کہیں, اچھا جی مدینہ کی ریاست نہیں آئی, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے چند سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں. یہ چینج کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے, کیوں دیکھیں چینج کے دو چیزیں, ایک تو آپ کو ادارے بدلنے پڑتے ہیں, لیکن ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, میریٹوکریسی کا مائنڈ سیٹ آتا ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ معاشرے میں چینج. سو یہ یاد رکھنا کہ یہ جو ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ہر روز صرف ڈرا ہوا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ جیلوں میں چلے جائیں گے, یہ ہر روز ایک پورا یونائٹڈ ایک ہی نیریٹو پروموٹ کرتے ہیں کہ کیا, ہاں تباہ ہو گیا ملک, یہ ہو گیا, چھوڑ پہلے ملک تباہ کر کے چھوڑا, اور پہلے دن سے شروع ہو گئے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. پہلے دن سے انہوں نے مجھے تقریر ہی نہیں کرنے دی پہلے دن. سو یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. سو آپ سب کو میرے, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا, کیونکہ یہ آپ کی فیوچر کی جنگ ہو رہی ہے,
یہ آپ کے لیے ہے. اگر یہ ملک اٹھتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک میں جو پوٹینشیل ہے, یہ جو ٹیک آف کرے گا, دیکھیں ہماری اسٹریٹیجک لوکیشن ہی ایسی ہے کہ یہ ملک سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اس کی جو چائنا کے ساتھ لنکیجز ہیں اور ہماری جو ریلیشن شپ ان سے, وہ سب سے دنیا کی تیز ترین بڑھ رہی ہے اکانومی. پھر ہماری جو سارا اسٹریٹیجک مسلمان دنیا میں, یہ کسی دن یہ نریندر موڈی جائے گا اور ہندوستان میں سین گورنمنٹ آئے گی تو وہ بھی اتنی بڑی مارکیٹ, دنیا کی دو سب سے بڑی مارکیٹس ہیں. امپورٹنٹ چیز آپ کو ریئلائز کرنی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کے لیے لڑ رہی ہے. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں تو اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, میرا تو کوئی کیمپ آفس بھی نہیں ہے. مجھے تو اگر گورنمنٹ نہ ہو تو میں اپنے گھر مجھے تو فرق ہی نہیں پڑے گا میری زندگی کو. سو امپورٹنٹ, میں کوئی فیکٹریاں نہیں بنا رہا, میرے رشتہ دار کوئی بزنسز نہیں کر رہا ہے, میں کوئی سو میرا ہمارا صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں. نہیں تو میں پالیٹکس میں نہ آتا, میرے پاس سب کچھ ہے. آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو, کیونکہ ہمارا مافیا سے مقابلہ ہے. میڈیا پہ پیسہ چل رہا ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر روز شام کو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں. ایک چیز لیتے ہیں جی, ملک تباہ ہو گئے, مارے گئے, برباد ہو گئے. یہ اچھا جی وہ اچھا جی بتائیں مہنگائی ہے, وہ کہتا ہے جی ہاں مہنگائی ہے, کدھر ہے جی نیا پاکستان. یہ پوری پلاننگ سے ہو رہی ہے. آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے مہنگائی ہوئی کیا ہے, کس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. سو آپ نے آپ کو آپ ہیں جو نیریٹو اس کا بلڈ کریں گے. آپ کو یہ گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ کے اندر کوئی, ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے کہ کوئی ہم اپنی کوئی ذات پہ لگے ہوئے ہیں. میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا, ہم نے اپنے خرچے کم کر دیے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنے خرچے کم کیے ہیں. ہم نے ہمارا کوئی منسٹر اس وقت, اگر کوئی بھی ہمارا منسٹر کرپشن میں ہے آپ مجھے بتائیں, آپ کو پتا میں ایکشن لوں گا کیونکہ میں نہیں کرپشن کر رہا. تو میں اگر میں نہیں کر رہا, میں کسی اور کو کرنے دوں گا. اور ہمارے مخالف کون ہیں؟ سارے ملک کے کرپٹ ترین لوگ ایک طرف ہیں. کہیں دنیا میں آپ نے یہ مذاق دیکھا ہے کہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج لندن میں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. انہوں نے ابھی تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی کہ یہ پیسہ پاکستان کدھر گیا. میں نے 10 مہینے سپریم کورٹ میں, میں باہر سے اپنی پراپرٹی بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. 10 مہینے میں نے سپریم کورٹ کو 60 ڈاکیومنٹس دیں. 40 سال پرانا کون سا کانٹریکٹ تھا کرکٹ کا, حالانکہ میں تو کرکٹر تھا, مجھے تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے ساری منی ٹریل دی کہ پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی کہ پیسہ باہر کیسے گیا. تو یہ سارا چوری کا پیسہ ہے. سب کو پتا ہے کہ انہوں نے سب نے چوری کی ہے. دونوں بڑے گھر لگے ہوئے ہیں, بزنسز ان کی دیکھے, ان کی آپ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی انہوں نے پیسہ لوٹا ہے, یہ ایک شہباز شریف کے ایک جو کیش بوائے تھا, ایک کیش بوائے نے 40 ارب روپیہ 5 سال میں باہر لے کے گیا ان کے لیے, ایک آدمی نے, پتہ نہیں کتنے اور کیش بوائز. تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے. ہم جیتتے ہیں پاکستان جیتتا ہے, اگر ہم ہارتے ہیں تو یہی چور واپس آ جائیں گے جنہوں نے اس ملک میں 10 سالوں میں 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھائی, واپس آ جائے گا. اسی لیے آپ کی جنگ ہے. اور اس لیے میں یہ ارسلان آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بھی اور شہباز, یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, یہ باقاعدہ لوگوں کو فیک نیوز کیا نکل رہی ہے, کیا یہ جو اتنی زیادہ انہوں نے افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, آپ پلیز اس کے اوپر زیادہ ان کو فیڈ کریں. کیونکہ آپ کا سب کے اوپر, دیکھیں ہم کبھی بھی نہ یہ پی ٹی آئی کامیاب ہوتی اگر ٹریڈیشنل میڈیا پہ ڈپینڈ کرتے, سارا آپ ہماری سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اٹھے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے اس کو پراپ اپ کرنا ہے سوشل میڈیا نے, کیونکہ یہی فیوچر ہے پاکستان کی. تھینک یو سر.